आज यूपी के कुशीनगर में सीएम योगी के बुलंद इकबाल की बहुत बड़ी तस्वीर देखने को मिली। कुशीनगर में गुंडे बदमाशों ने ऑर्केस्ट्रा की दो डांसर्स का अपहरण कर लिया था। 6 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके थे, लेकिन आज 2 मुख्य आरोपी भी पकड़े गए। दोनों जब थाने लाए गए तो दोनों ही व्हीलचेयर पर थे। सिर्फ व्हीलचेयर पर ही नहीं थे, बल्कि बार बार खास संदेश दोहरा रहे थे। ऐसे संदेश जो योगी की महिलाओं को लेकर की गई भीष्म प्रतिज्ञा का जीता जागता नमूना है। क्या है वो संदेश, देखिए इस रिपोर्ट में। माफी तो ऐसे मांगी जा रही है मानो माफी मांगने की प्रैक्टिस की जा रही है। लेकिन ये माफी की प्रैक्टिस नहीं है, फिल्मी दिख तो रही है लेकिन असली वाली माफी है जो बार बार घूम घूम कर कान पकड़कर प्लास्टर बंधे पैरों के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर कोने कोने दो दो फीट पर मांगी जा रही है। पैरों में बंधा प्लास्टर पुलिस द्वारा किए गए पुरसुकून तसल्ली बख्श इलाज की गवाही भी दे रहा है, तो माफी इनकी करतूतें और पुलिस का डर उजागर कर रहे हैं। ये माफीनामा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिंघम पुलिस का बहुत बड़ा कारनामा है, जो योगी आदित्यनाथ की बेटियों की सुरक्षा पर ली गई शपथ कहें या प्रण का बहुत बड़ा नमूना है। वो शपथ जो कहती है कि बेटियों के खिलाफ बुरी नजर बख्शी नहीं जाएगी। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। योगी की शपथ तो सुन ली आपने, लेकिन समझिए कि आखिर माफीनामा की रट लगाए पैरों में प्लास्टर चढ़ाए ये दोनों नमूने हैं कौन। तो यूं समझ लीजिए कि पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ये दोनों और इनके 6 साथी खुद को बहुत बड़ा तीसमार खां समझते थे। और इसी गलतफहमी और सनक में कुशीनगर के रामकोला इलाके में 2 दिन पहले ऑर्केस्ट्रा की 2 डांसर्स का पिस्टल के जोर पर इन बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। फॉर्चुनर गाड़ियों से आए इन दोनों और इनके बदमाश साथियों ने चंद सेकंड्स में लड़कियों को उठा लिया था, लेकिन ये भूल गए कि पूर्वांचल को योगी का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में 2-2 युवतियों के अपहरण को कुशीनगर पुलिस ने चैलेंज की तरह लिया और कुछ ही घंटों की मशक्कत में इन दोनों किडनैपर्स के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ये दोनों आदित्य और नासिर फरार थे। पुलिस को पता चला कि ये दोनों रामकोला इलाके में देखे गए हैं। पुलिस ने नाका लगाया, इन दोनों ने पुलिस को देखा तो फायरिंग कर भागते हुए नजर आए। बस यही गलती भारी पड़ गई, जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी और उसके बाद बेटियों को उठाने वाले इन दरिंदों के साथ योगी की पुलिस ने कैसी खातिरदारी की होगी उसका अल्टीमेट शुद्ध ताजा नमूना आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश निसार अंसारी और आदित्य सानी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इनके 6 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और इनके पास से अब तक 2 फॉर्च्यूनर कार उसको सीज किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है। कमाल की बात तो ये है कि जिस तरह ये फिल्मी अंदाज में शूटिंग करने वाले लहजे में माफी मांग रहे हैं, इसी तरह इन्होंने अपहरण भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में किया था। गौर करने वाली बात यह है कि अपहरण किसी फिरौती के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इन बदमाशों में से किसी एक के बर्थडे में देर रात डांसर्स को नचाने की सनक में 2-2 डांसर्स का अपहरण कर लिया था। और अब आलम ऐसा है कि नाचना तो दूर, अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचे, घूम घूम कर माफी मांग रहे हैं। योगी की पुलिस ने साफ कर दिया, अब अपराधी संभल जाएं, क्योंकि अब योगी की पुलिस सिंघम बन चुकी है। जनपद कुशीनगर में जो भी इस तरीके के अपराधी है उन सब पे कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस की गिरफ्त में माफी मांग रहे प्लास्टर से मुस्तैद इन दोनों बदमाशों की ऐसी हालत यूपी में बदमाशों के लिए योगी का बहुत बड़ा संदेश कि बेटियों पर डाली बुरी नजर तो इसी तरह गिड़गिड़ाते नजर आओगे।
क्योंकि योगी का वचन ही उनका शासन है। कुशीनगर से प्रमोद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़।